कोलकाता बनाम दिल्ली जो कि काफ़ी क्लोज रहा ये मैच। मानो एक तरफ कोलकाता तो दूसरी तरफ दिल्ली की जीत तय थी। तो आइए थोड़ा गहराई से जानते हैं। तो जो क्वालिफायर मैच दिल्ली बनाम कोलकाता के बीच खेला गया उसमें दिल्ली ने पहले बैटिंग करते हुए 135 का लक्ष्य दिया जो कि ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं था केकेआर के लिए। और फिर केकेआर ने धीमी पारी खेलते हुए 90 रन बनाए वो भी शून्य विकेट पे। लेकिन कुछ ही देर बाद ट्विस्ट आई और उस ट्विस्ट ने केकेआर की 7 विकेट खिला दी। तो दोस्तों लास्ट में 6 गेंदों में 7 रन चाहिए था और बैटिंग पे थे दिनेश कार्तिक और फर्ग्यूसन। और ये मैच लास्ट बॉल पे डिसाइड हुआ जिसमें केकेआर के बल्लेबाज दिनेश कार्तिक अपने ही स्टाइल में 6 रन मार के केकेआर को जीत का स्वाद चखाया। दोस्तों आप समझ ही सकते हो मैच कितनी क्लोज रही होगी। तो फाइनल में अब केकेआर बनाम सीएसके का मैच होना है। तो दोस्तों आप क्या चाहते हैं, केकेआर जीते या सीएसके? और चैनल पे कुश्ती करिए, लड़िए, लेकिन सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।